युगों युगों से हो रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी राशि होगी मालामाल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरुमार्ग बनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शनिपीठ मंदिर 38 पटार थाना ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे चैनल को केवल और केवल आप ही के कारण आज YouTube से एक अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसे गोल्डन क्रिएटर्स अवार्ड कहते हैं। ये जो अवार्ड है हमारा गोल्डन अवार्ड है, मैं आप सभी लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बिना ये संभव नहीं था। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ राशिफल देने के लिए। आप में से बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुरु माँ हम राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं, डेली हमारा समय कैसा जाएगा उस बारे में जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए आज का राशिफल लेकर के आई हूँ, और ये 3 दिन का राशिफल होगा, यानी कि आप जान सकते हैं कि अगले 3 दिन आपकी लाइफ में कैसे बीतने वाले। ये जो राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, और साथ में मुझे जो देवी शक्तियों से संकेत प्राप्त होते हैं उन सभी पे ये आधारित है, उसके अनुसार मैं आपको राशिफल आपके 3 दिनों का बताने जा रही हूँ। साथ ही मैं आपको एक कहानी भी अंत में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अपना राशिफल सुनने के बाद उस छोटी सी प्यारी सी कहानी को सुनना ना भूले, जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। दूसरी ओर राशिफल तो केवल एक बहाना है, क्योंकि मैं रोजाना आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे याद करते हैं, आप लोग मेरे संपर्क में रहना चाहते हैं, और मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। इसीलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी मिलने के लिए ये 3 दिन का राशिफल आपके लिए लेकर के आई। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनी शशि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन घंटी का आइकन दबाना ना भूले, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप तक मैं लेकर के आ सकूं। मैं विजयदशमी की एवं दशहरे की आप सभी को हार्दिक बधाइयां प्रदान करती हूँ। साथ ही रावण ने मरते समय अपने अंतिम क्षणों में क्या कहा और लक्ष्मण जी को क्या ज्ञान प्रदान किया, वो राशिफल के बाद एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे वीडियोस को देख करके हमारे पेटीएम नंबर पर या हमारे वीडियो में जो अकाउंट डिटेल भगवान शनिदेव का जो मंदिर का अकाउंट है उसकी अकाउंट डिटेल को देखकर आप में से बहुत से लोग हमारे कार्यक्रमों के लिए, यज्ञों महायज्ञों के लिए, प्रसाद वितरण जो हर शनिवार हम करते हैं उसके लिए, या गरीब लड़कियों को जो हम एजुकेशन देते हैं उस सब के लिए समय समय पर आप लोग कुछ ना कुछ बिना मांगे ही दान दक्षिणा भेजते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो उसमें डेली ही हमको पैसे भेज रहे हैं, अपनी डेली इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा भेजते रहते हैं। उस सभी के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों को सुख शांति समृद्धि सौभाग्य और जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो प्रदान करें। और साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना नाम हमें अवश्य ही भेजें, ताकि आपके नाम से हम पूजा भी कर सकें। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 7, 8 और 9 ये अक्टूबर के 3 दिन कैसे जाएंगे चलिए जानते हैं। इस समय में दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों आप काफी थके हुए हैं, चिंतित भी हैं, क्योंकि नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ चुकी हैं और उन्हें संभालने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन इस समय में चिंताग्रस्त आप बने रह सकते हैं। आपका दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक है, आप पॉजिटिव हैं, अंदर उत्साह भी भरा हुआ है, इच्छा शक्ति भी आपको है। अगर आप कोई नया कार्य इन 3 दिनों में शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपके द्वारा की गई मेहनत व्यर्थ भी जा सकती है, तो इसलिए आप थोड़ा इंतजार इस समय में करें। इस समय में विशेष बात मिथुन राशि वालों आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप वाहन चलाते हैं, कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं, या सड़क पे ही आप क्यों नहीं चल रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सतर्कता से इस समय काम करें, क्योंकि ये समय आपकी किसी न किसी दुर्घटना का सूचना दे रहा है।
अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में या किसी अन्य जगह पे, तो 7 तारीख उसके लिए शुभ रहेगी। अपने जीवन साथी से आप प्रेम बनाए रखें, परंतु हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई तनाव आपको महसूस हो। इस समय में हो सकता है कोई अशुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो, तो इसलिए आप निराश ना हो। और प्रेम की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो ये समय जो है सामान्य रहेगा। इस समय में आप थोड़ा सा अपने आप को उदास भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो वैसे तो आपकी हेल्थ सामान्य रहेगी, लेकिन पैरों में दर्द आपके इस समय में उठ सकता है। अपनी भाषा पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप किसी को भी कटु वचन बोल देंगे तो आपका संबंध उनसे टूटने की पूरी पूरी संभावना इस समय में बन जाएगी। व्यर्थ के विवादों से बचने का भी पूरा प्रयास करें, क्योंकि अनावश्यक कार्यों में इस समय अगर आप लगेंगे, व्यर्थ के किसी विवाद में आप पड़ेंगे, तो आप ही के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मिथुन राशि वालों, अगर आपको लगता है आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर हमारे शनिपीठ मंदिर में आप कॉल करके अपने लिए मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित एक भाग्य वर्धक रिंग बनवाएं और अपने हाथ में धारण करें, जिसे पहनने से आपके भाग्य को नई प्रबलता प्राप्त होगी। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग परेशान हैं, इस संसार में बहुत से दुख हैं और उन्हीं दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आपकी गुरु मार्ग में उपस्थित है। मैंने अपना जीवन आप ही की सेवा में इसीलिए लगाया है, आपके कष्टों के निवारण के लिए इसीलिए लगाया है, ताकि आप सभी के कष्टों को मैं दूर कर सकूं। मैंने अपने जीवन में संन्यास धारण किया, अपने केशों का त्याग किया, बालों का त्याग किया, ये सोच लिया कि मुझे अपने जीवन में अपना कोई परिवार नहीं चाहिए, विवाह नहीं करना, शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, केवल इसलिए ताकि आप सभी लोगों को सुख शांति मैं प्रदान कर सकूं। जो भी आत्माएं तड़प रही हैं, कष्ट में हैं, मैं उन सभी के जीवन को बेहतर कर सकूं, यही मेरे जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य रह गया। भगवान की कृपा से एक अच्छे घर में हमारा जन्म हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, MBA भी किया, लेकिन फिर भी मनुष्य के दुख मुझसे देखे नहीं जाते। इसीलिए मैं आप सभी की सहायता के लिए इस कार्य में आई और मैंने संन्यास धारण किया, ताकि मेरा ये जीवन आप सभी लोगों के काम आ सके। और आज पिछले कई वर्षों से हमारी ये संस्था शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली, YouTube पर ही देखेंगे तो 10 साल से हम यहाँ पर YouTube पे अवेलेबल हैं। 30 साल पुराना ये खरीदी हुई गुरुजी की जगह है, जहाँ उन्होंने मंदिर स्थापित किया है। यहाँ से पूरी दुनिया के न जाने कितने लाखों लोगों को हम सहायता प्रदान कर चुके हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, जैसे मैंने आपको बताया, उससे जूझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराएं। आपके कष्ट अगर है तो उसका निवारण भी ईश्वर ने जरूर लिखा है। आपके स्क्रीन पर जो भी नंबर्स आ रहे हैं, आप उनमें से किसी पर भी डायल करिए, वहां एक अपॉइंटमेंट मुझसे, गुरुजी या स्वामी जी से बुक कराइए और हम आपके इस समस्या का विश्लेषण करेंगे आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से। जिसकी जन्म कुंडली नहीं है, उसके चेहरे के माध्यम से हम आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे। लेकिन इस सेवा को लेने के लिए एक छोटी सी फीस हम लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि ये जो संस्था है इसे हमने चलाना है और बढ़ाना भी है। आज अगर हम कुछ लोगों की सहायता कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं आने वाले समय में हम लाखों लोगों की सहायता कर सकें, क्योंकि आज जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना भी हमारे पास इकट्ठा होता है, वो हम अच्छे कार्यों में लगाते हैं। जैसे कि हम यज्ञ महायज्ञों का आयोजन करते हैं, समय समय पर हम गरीबों के बीच में अन्नदान करते हैं, और हर शनिवार और मंगलवार को प्रसाद वितरण किया जाता है, हलवे का प्रसाद बांटा जाता है। लगभग 8-9 साल हो गए हैं गरीब लड़कियों को हम लोग फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, वो भी कोई सिंपल एजुकेशन नहीं देते, ऐसा कंप्यूटर का एजुकेशन देते हैं जिसके अंदर मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग इत्यादि सिखाया जाता है, ताकि या तो वो अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और एक अच्छी नौकरी पा सके। उसके लिए मैं उन्हें पिछले 8-10 सालों से ट्रेन कर रही हूँ। उस कंप्यूटर सेंटर को चलाने के लिए उस बच्चियों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ताकि उनका आने जाने का जो खर्च है वो भी उनके माँ बाप जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके ऊपर लोड ना पड़े, तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटर को भी हम बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये फीस प्रयोग ली जाती है। और इसके साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली में ही एक ऐसा
नवग्रह शांति पीठ हो, एक शक्ति स्थल हो मैं बनाना चाहती हूँ, जहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, पूरे विश्व के सब धर्म के लोग वहाँ आए और आकर अपने कष्टों का निवारण प्राप्त कर सके, यही मेरी इच्छा है। तो उस सब के लिए हम अपनी संस्था के माध्यम से ये सब धन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली तो आप जानते हैं बहुत महंगा शहर है और प्रॉपर्टी भी यहाँ बहुत महंगी है। तो उस सब को बनाने के लिए, एक आश्रम को यहाँ बनाने के लिए, एक बड़े स्थान को लेने के लिए और उसे ऐसे मंदिर को बनाने के लिए जहाँ सबको आने के माध्यम से राहत मिले, ये फीस रखी हुई है ताकि इस फीस के माध्यम से हम इन सब कार्य को पूर्ण कर सके। हर शुक्रवार भी यही प्रार्थना करती हूँ, यज्ञ करती हूँ सभी फॉलोअर्स के लिए, सभी भक्तों के लिए जिनका नाम मुझे याद रहता है उनके नाम के साथ, जिनका नाम नहीं याद रहता है तो केवल भावनाओं के साथ उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। ये जहाँ भी आप बैठे हो, जिस भी विश्व के कोने में हो, मेरी प्रार्थना आप तक जरूर पहुंचे। ईश्वर और सभी नवग्रह देवता आप पर कृपा बरसाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करती रहती हूँ हर शुक्रवार। बाकी मेरा जीवन तो आप ही का है, आप ही के नाम है और पूरा जीवन गुरु रुक्मिणी आप ही की सेवा में लगी रहेंगी। जय शनिदेव। प्रिय भक्त गणों, विजयदशमी का पावन पर्व आ रहा है, दशहरा आ गया है और हम सभी लोग रावण दहन करते हैं और सभी प्रभु श्री राम की जीत का जश्न भी मनाते हैं। लेकिन मरते हुए प्रभु श्री राम और रावण का क्या संवाद हुआ, क्या आप जानते हैं? आज एक कहानी के माध्यम से मैं वही आपको बताने वाली हूँ और एक गहरी शिक्षा, क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान श्री राम विजयी हुए इस युद्ध में, ये भी एक धर्म का युद्ध था। मैं आपको रोजाना ही गीता के सत्संग बता रही हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम का ये जो युद्ध था ये भी एक धर्म युद्ध था जिसमें भगवान श्री राम विजयी हुए। लेकिन क्यों हुए? भगवान के अवतार तो वो थे ही, लेकिन फिर भी मनुष्य रूप में वो पूर्णतः थे। कहते हैं जब रावण अपनी मृत्यु शैया पर लेटा था, अंतिम सांसें ले रहा था, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, रावण ज्ञानी है, इससे तुम कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो लक्ष्मण जाकर के रावण के सर के पास खड़े हो गए। तो भगवान श्री राम ने उस समय उनको टांटा और कहा कि क्या तुम जानते नहीं, ज्ञान चरणों के पास आके लिया जाता है। लक्ष्मण अब रावण के चरणों के पास आए और आकर के उनसे पूछा कि आप मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करें। तो रावण ने ज्ञान तो दिया ही, लेकिन साथ में एक प्रश्न पूछा है कि मुझे इस बात का उत्तर दीजिए श्री राम कि मैं कुल में आपसे श्रेष्ठ। रावण ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। तो वो कहते हैं, मैं ब्राह्मण होने के नाते कुल में तुमसे श्रेष्ठ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी पंडित, क्योंकि रावण उन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना की है, कहते हैं लाल किताब भी उन्हीं की एक रचना है, तो वो ज्ञानी थे पंडित थे। तो वो कहते हैं ज्ञान में भी मैं तुमसे आगे, सेना में भी तुमसे इतना आगे, क्योंकि रावण के पास भी बहुत विशाल सेना थी और प्रभु श्री राम के पास तो वानर सेना थी, मैं भक्ति में भी तुमसे श्रेष्ठ। दोनों ही श्री राम और रावण दोनों ही शिव भक्त थे और रावण को तो कई वरदान भी प्राप्त थे, जिसमें से एक उनके दशानन होने का यानी 10 सर होने का वरदान था, यानी 9 जीवन दान उनको प्राप्त थे। तो इतना सब होने के बाद भी, हे श्री राम, मुझे ये बताइए मैं तुमसे हार कैसे गया? तो प्रभु श्री राम ने केवल एक ही उत्तर दिया है, हे रावण, तू चरित्रहीन, मैं चरित्रवान। हमारे जीतने का केवल यही एक कारण है और यही सबसे बड़ा कारण है। तो आप सभी रावण का दहन करते हैं और प्रभु श्री राम को याद भी करते हैं, लेकिन उनके चरित्र का अनुसरण नहीं करते हैं। आप जरा सा भी चरित्र पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में यदि कुछ पाना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, तो इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर मन में तुम्हारे छल कपट है, अगर मन में तुम्हारी सच्चाई नहीं है, दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं है, दूसरों को धोखा देने की इच्छा होती है या झूठ बोलने की इच्छा होती है, दूसरे को ठगने की इच्छा होती है, दूसरे को बेवकूफ बनाने की इच्छा होती है और उससे तुम अपना धन का भंडार भरना चाहते हो, तो असंभव है। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो माता लक्ष्मी तुम्हारी आवास करेगी, अन्यथा उठ करके तुम्हारे यहाँ से वो चली जाएंगी। आई हुई लक्ष्मी भी तुम्हारा
साथ नहीं देगी। इसलिए इस बात को सदा याद रखना, जीवन के इस युद्ध में अगर विजयी होना है, पराजित नहीं होना, तो अपने कैरेक्टर पर, अपने चरित्र पर ध्यान दो। स्वयं अच्छे बनो, अच्छे काम करो, अच्छे कृत्य करो, तो अपने आप ही जीवन में तुम्हें भी जीत प्राप्त होगी। तो आज यही संदेश देते हुए आप सभी को हार्दिक बधाइयां दे रही हूँ विजयदशमी की, दशहरा की। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। इसके साथ ही आप में से बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि गुरु माँ, हम असली राशि के रत्न कहाँ से लें, ये आप हमें बताइए। तो जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से ना लेकर के स्वयं ही राशि के रत्न लेना चाहते हैं और उनको अंगूठी में बनवा के अपने आप धारण करना चाहते हैं, उनके लिए असली जेम रिंग्स, राशि रत्न रिंग्स कहाँ से मिले, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। उन रत्नों को आप वहाँ से खरीद सकते हैं, 100% जेन्युइन वो रत्न है, और खरीद के आप उसमें अंगूठी अपने डिजाइन के हिसाब से बनवा के उसे मंत्र सिद्ध करके धारण करें। जय श्री राम, जय शनिदेव। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।